कितने का है? भाई 100 रुपया। 100 रुपए की तो सही है, ब्रांडेड बिक रही है। ये सब 150 रुपए की है। ये बताओ बोर्ड का जीन्स कितने में? 100 रुपया। नाइकी तो ब्रांडिंग के साथ है, पूरा ऐसा भाई। ये शूज कितने के? बोलूंगा कि कॉफी शूज के लिए यहाँ पर मत आओ। बस क्या भाई, कौन सा ब्रांड है? स्केचर्स कोई भी लो भाई। ये कितने का अंकल? 350। कोई भी लेदर है ना भाई, गलत थोड़ी बहुत देख रहे हैं। लेदर है कंफर्म? 450 रुपए। अभी मैं लेदर को, मेरे को पता करने का तरीका आता है। कितने का भाई बैग? 350। हाँ पहन के देख, फिटिंग में टिकने पता चलेगी। ये भाई 500। 200 रुपए की। कितने में अंकल ये सब? 300 रुपए में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉगिंग ब्रदर्स। गाइस आज हम लोग बहुत ही जबरदस्त जगह पे आ गए सिर्फ आप लोगों के लिए। आज हम लोग आए हैं मुंबई की चोर बाजार में। देख सकते हैं यहाँ से चोर बाजार स्टार्ट होती है, यहाँ पे अभी कुछ कुछ चीजें मिल रही है। पूरा हम लोग आज कवर करने वाले, आपको एंड तक के बने रहना है, बहुत मजा आएगा वीडियो में। और मैं बेटा इतना कहना आप लोगों से कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तो प्लीज यार एक लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, और आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। तो वीडियो में एंड तक के बने रहो और हम लोग सब कुछ कवर करेंगे, और ऐसे ही नहीं कि सिर्फ कवर करेंगे, आपको बताएंगे भी कि आपको यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और यहाँ से कुछ बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पूरे डिटेल आपको दूंगा मैं एंड तक के, आपको बने रहना है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ये जो चोर बाज़ार लोकेटेड है, यहाँ से मतलब 2-3 स्टेशन से आप आ सकते हैं, जैसे मस्जिद बंदर स्टेशन है, सेंडास रोड है। अभी हम लोग तो बाइक से आए तो आप बाइक से भी आ सकते हैं। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पे। भाई यहाँ से स्टार्ट होती है चोर बाजार, यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें मिल रही है। जीन्स है, ठंडी का भी लॉट आ चुका है, जैकेट वगैरह। कितने में अंकल ये सब? 300 रुपए में। 300 रुपए में जैकेट है। जीन्स कितने में? 100 रुपया। कोई भी ये देखो, इसे पसंद नहीं आ गया, देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। 100 रुपये में ठीक है क्या? हाँ ठीक है, मतलब देखते हैं अभी आगे तो बहुत बड़ी मार्केट है ना, अंदर चलते हैं। 100 रुपये के हिसाब से सही तो थी, लेकिन जो है पहनने लायक नहीं है वो। ये बहुत बड़ी रहती है, कलर करे तो वो गरीब ही है। अच्छी अच्छी घड़ी है भाई, वो डायमंड में तो घड़ी अच्छा लगता है, मिलेगी? अरे भाई ये कितने की है? 200 रुपए की है। और ये सब कितने की है? ये सब 150 रुपए की है। ये वाली बताओ, ये सब 150 रुपए की, कुछ कम नहीं होगा भाई? ये कितने की? 200 रुपए की। 200 की दे रहे हैं, ये महंगा है। 200 इलेक्ट्रॉनिक का भी आइटम है, वायरलेस पैक नहीं है, ये वाला पैक है। ये कितने का? ये कितने का अंकल? 300। कोई भी ये बोर्ड का बताओ, बोर्ड का। ये देखो यहाँ पे सब मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक है, घड़ी है, सही है, मतलब यूज करने के हिसाब से। ये इधर भी तो बिक रहा है, इधर जरा मैं डील करता। कितने का भाई? 250। का
कितने की अंकल चप्पल? 150। अभी अंदर तो बहुत कुछ मिलेगा, देखते रहेंगे, कुछ पसंद आता है तो खरीद लेंगे। ये देखो कोट भी है शादी वगैरह के लिए ना। कितने का ये भाई? 500। 550, 350। पहन के देखना, ये बहुत बड़ा आएगा भाई। मेरे माप का कोई निकालो, पहन के देखो, अच्छा लगेगा। हाँ पहन के देख, फिटिंग में टिक में पता चलेगी। यार ये बड़ा है यार, चप्पल जोर से जा रही है। अच्छा खासा बड़ा है, वो तो साइज में मिल जाएगा। ठंडी के साथ तो ये सब चीज अच्छा है। ये तो वो वाला है वे इंपीरियल ब्लू, वो जो पायलट पहनते पायलट वाला। ये देखो यहाँ पे चिंता जाओ, ये परफेक्ट आया वे। फिटिंग विटिंग बराबर नहीं है, वो लूज है, सही नहीं है, तेरे माप में नहीं आ रहा है। कलर पे कलर है, कितने सारे कलर है। जीन्स टी शर्ट यहाँ तो शर्ट वगैरह कपड़े मिल रहे हैं। वीडियो बना रहे तो गलत थोड़ी कर रहे, वीडियो बना रहे। बैग तो अच्छा है, कितने का भाई बैग? कोई भी है? कोई भी की अलग 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 है। ये देखिए ₹100 की तो सही है, ब्रांडेड बिक रही है। तो सब ₹100 की है। बड़ी है, बड़ी है। पट्टा 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 देखेंगे ना, पट्टा कितने का है? सही तो है, कितने का है? पूछ तो, ₹100 कोई भी सही है यार, ये अच्छा लग रहा है ना, क्वालिटी वाले तो सही है। इसमें क्या कमाएगा तू बता ना, 5-10 ही मिलेगा, 150 तो नहीं ले लेगा। कभी चल रहा है कबाज़, बिस्मिल्लाह चल जाने ले लेना, लगता है ना भाई, रख दे रख दे, अभी सोच रख दे, रखना है तो रख दे, नहीं नहीं बोलोगे तो नहीं। जय है, कोट जीन्स भी तो है, बैग 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 ₹650 का लेदर है ना भाई, गलत थोड़ी बहुत देख रहे हैं, लेदर है कंफर्म, ₹450 का देखो। अभी मैं लेदर को, मेरे को पता करने का तरीका आता है, लाया है कुछ पता करने का लेदर का, एक है नहीं लेदर है, नहीं लेदर नहीं, वाटरप्रूफ है ये सब कितने का भाई? ये सब ये अच्छा लग रहा है ना कपड़े में, हाँ छोटा से कुछ कम नहीं होएगा? 300 इसकी बात हो रही है।
300 एक ही भाव है। अबे वो लेदर वाला सही था। ये कितने का अंकल? 350 कोई भी। क्या कॉस्ट है अंकल? 350 पूरे बाजार में नहीं मिलेगा ऐसा जी का, पूरे बाजार में ऐसा नहीं है। ये तो इसकी क्वालिटी अच्छी है सर। 350 में क्या अंकल? अरे देखो 350 में वाओ। बस क्या यार, तुझे बुला के दे देना दे रहे हो। फटाफट बोल पेट के लो। और दूसरा कलर है ये महंगा। कॉपी का कॉपी, कॉपी का बाप कॉपी। और दूसरा कलर नहीं है। कितने का भाई ये? 300 रुपया। 300 रुपया कोई भी, कोई भी लो भाई। 300 रुपए में सही है यार। 300 रुपए में तो बहुत सही है। मैं मेरे व्यूअर्स के लिए काम करता हूँ। मैं अभी कुछ बाय नहीं करने आया हूँ। व्यूअर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए मेहनत। यहाँ पे देखो ये क्या मिल रहा है, कांच का सामान भी है, बैग भी है, बैग। लाइटनिंग में भी कुछ बेच रहे हैं, अंडरवियर। भाई कैप कितने की है? 100 रुपये। कुछ कम नहीं होगा इसका भाव? ये 60 रुपये का है। एटीट्यूड है, कम नहीं होगा बोलते। भाई अभी हम लोग जा रहे हैं डेढ़ गली, और देखो 5 बज गया। ऐसा लग रहा नहीं कि 5 बज रहा, ऐसा लग रहा रात के 7-8 बज रहे। इतनी पब्लिक है यहाँ पे, गाड़ियाँ आ रही है, सब कुछ हो रहा है। अब मैं डेढ़ गली इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि डेढ़ गली में हम लोगों को दिखाना है आपको शूज की प्रॉपर मार्केट वहाँ लगती है। आप कभी भी चोर बाजार आओगे ना तो किसी से भी पूछना डेढ़ गली जाना। डेढ़ गली में आपको शूज मिलेंगे, फर्स्ट कॉपी मास्टर कॉपी शूज। तो अंदर चलते और पता करते चलिए। तो दोस्तों यहाँ से शुरू होती है डेढ़ गली, और इसके अंदर बहुत सी चीज़ें मिलेंगी आपको, जैसा कि शूज़ है, कपड़े हैं। ये देखो यहाँ कितनी पब्लिक है, सब जैकेट वैकेट ले रही है, ओ जीन्स वींस भी है। हम लोग मेन गली में चल रहे हैं शूज़ की मार्केट में। ये लेफ्ट में देखो, यहीं से देख लो माहौल, देख लो कैसा है। अभी अंधेरा है, लाइट भी नहीं आई है बराबर। आंटी कितने का ये? कितना? 1500 रुपया। कौन सा स्केचर्स ओरिजिनल है क्या? आने वाला था। दूसरी साइड पे रखे अपने। बस क्या भाई? बोला घर पे आएगा भाई। अरे मैं तेरा मैं जब ठंडे पे से निकल के साइड पे रखा तू आएगा भाई। भाई ये शूज कितने के? 1000 रुपया। अरे
थोड़े मैचिंग है तुम्हारा भाई। ओरिजिनल शूज है, चल घूम ले, हो गया मेरा लेके बताओ। तो ये जो शूज यहाँ पे मिल रहे हैं कहीं नहीं मिलेंगे ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन आज के टाइम पे हर चीज अवेलेबल है मुंबई के बाहर। बस चोरी के शूज जो मिलते हैं वो अलग रहते हैं। यहाँ पे शूज अच्छे दिख रहे हैं आंटी के पास, देखते इधर शूज, थोड़ा शूज देखते हैं। बोला आंटी पूरा प्रॉपर ब्रांडिंग के साथ है, पूरा ऐसा हाथ में चला खराब है, व्हाइट इतना खराब है। कितने का अंकल ये? 3,500। 3,500 साइज वाइज है इसमें और इससे ज्यादा है। इसका कितना भाई? 3,500 Nike रनर शूज है। वो भी बताओ ना तुम्हारे हाथ वाले। टाइगर कितने का अंकल? अंकल ये कितने का? 700 का है। Adidas सब ओरिजिनल शूज है ना? 1,000 रुपये क्या नंबर वोट है वो फॉर्मल दिखाना ना। ओरिजिनल शूज है सब, ये शूज देखो सेकेंड हैंड में लगता है। सेकेंड हैंड सब
ये 200 की है, 150 की है, 150 रुपया। इंस्टाग्राम की दवा, इंस्टाग्राम की बेइज्जती कर दी गई, इंस्टाग्राम की, इंस्टाग्राम की सरासर बेइज्जती है गाइस। ये तो मार्केट देखिए अब आप लोग, थोड़ा मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि पब्लिक क्यों आती है यहाँ पर इतना। इसकी रियलिटी मैं भी आप लोगों को बताऊंगा, कहीं पर रुक के सुकून से बताऊंगा कि आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप लोग मेरे व्यूअर्स हो और मेरा हक बनता है आप लोगों को समझाना कि भाई यहाँ पे क्या चीज़ है, कैसी है क्वालिटी, और आपको मतलब लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये तो आप पे डिपेंड करता है। मेरे समझाने के बाद भी अगर आप आते हो किसी और पॉइंट, मेरा कुछ नहीं, तो ठीक है। हम लोग अभी रिटर्न आ गए मार्केट, सोनाटा ले रहा ना तू? हाँ सही लग रहा है, अच्छा अंकल। ये कितने की है? 100। अच्छा सब 100 की, कोई नहीं लोग ये सब ओरिजिनल ओरिजिनल है भाई। 100 रुपए की तो अच्छी है यार ये सब। लुइस कैरोन बड़ी बड़ी ब्रांड की है, डबल टाइमिंग के 150 रुपए का है। एक ले ले जी भाई, छोटा 150 रुपए का है, हो जाएगा थोड़ा मूल भाव हो जाएगा। भाई कुछ कम होगा इसमें? हाँ 100 रुपए कर दो ना। हाँ अरे 100 लेकिन भाव 150 भाव नहीं होता, कर दो यार भाई। टीवी 100 रुपए में कर दो इसको, 100 में मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो मैंने पूरा मतलब मार्केट एक्सप्लोर किया तो भी मुझे एक चीज़ समझ में आ गई। अगर आप यहाँ पे शूज़ के लिए आते हो, जैसे कि कॉफी शूज़ के लिए आते हो, तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि कॉफी शूज़ के लिए यहाँ पर मत आओ। मुंबई में बहुत सी मार्केट है, शोरूम है, जहाँ पर आप जाके ले सकते हो, प्रीमियम क्वालिटी के शूज़ आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको फर्स्ट कॉपी शूज़ नहीं मिले, सेकंड थर्ड कॉपी, बहुत ही मतलब लो क्वालिटी की कॉपी शूज़ दे रहे हैं। और प्लस अगर आप ब्रांडेड ओरिजिनल ऐसा सोच रहे कि चोर बाज़ार में ओरिजिनल शूज़ मिल जाएंगे आपको, तो वो आपको मिलेंगे, बट वो सेकंड हैंड में मिलेंगे। जैसा कि हम लोग ने देखा एक वीडियो में आपको देखने मिल जाएगा डैमेज पीस था वो, मतलब ऐसे ही। अगर आप यहाँ पर विजिट करते हो छोटा मोटा सामान लेने के लिए ठीक है, बट परफेक्टली आप शूज़ बाय करने आते हो या कुछ ऐसी चीज़ शक्ल से लगता है वो, हाँ एकदम घटिया ऐसा लग रहा है 6-8 महीने से रखा हुआ है रखा हुआ चीज़, मतलब ऐसा ख़राब चीज़ मिलती है आपको। मतलब मैं तो यही बोलूँगा, देखो आप लोग मेरे व्यूअर्स, तो आपको मैं अच्छी बात बताऊँगा कि मैंने पूरी मार्केट घूमा, मैंने बहुत सी चीज़ देखा, जीन्स देखा 100 रुपये में, लेकिन वो जीन्स कौन सी रहती है तो ख़राब हो जाती है, उस पर कलर वगैरह करके रिटर्न लगाते वो जीन्स है। शर्ट ठीक थी मतलब 150-200 की रेंज में, बट मतलब वो इतनी अच्छी नहीं थी। मैं तो ये बोलूँगा आप लोग अपनी मार्केट से ले सकते हो, उसका नाम ही सिर्फ चोर बाज़ार, बहुत माल बिकता है और बहुत अच्छा है, ऐसा वैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग का डाउट मैं क्लियर कर दे रहा हूँ उसमें। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए, या चोर बाज़ार में किसी चीज़ पर और मैं जैसे भूल गया हूँ तो वो मैं दिखा दूँगा आप लोगों को। आप कमेंट करके ज़रूर बताओ। और प्लीज़ मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, हम लोग इतनी मेहनत से पूरी रात भर जाग के यहाँ पे वीडियो बनाना है, तो एक लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो अभी वीडियो को एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।